हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे आप। बहुत अच्छे तरह से रहिए और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और पढ़ाई का भी ख्याल रखिए। तो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ साइंस में यानी केमिस्ट्री पोर्शन का एक चैप्टर है जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ये क्लास 10th में चैप्टर है और क्लास 11th में भी ये चैप्टर है। तो स्टूडेंट, आज मैं आपको इस चैप्टर के रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं, डोबिनियर ट्रेड, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इन सभी के बारे में आज आपको मैं बताने वाला हूँ डिटेल में। ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसमें से लगभग ये मान के चलिए 3-4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है जरूर आता है। मोस्टली ज्यादातर आपका मेंडेलीव और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन जो है ज्यादातर बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर की। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला हमारा एक टॉपिक है जिसका नाम है डोबिनियर ट्रेड। क्या हुआ कि इस चैप्टर में एलिमेंट के बारे में जिक्र किया गया है। प्रेजेंट टाइम पर अगर हम बात करें तो बुक्स वगैरह में लिखा हुआ है 118 एलिमेंट यानी 118 एलिमेंट जो है डिस्कवर्ड हो चुके हैं। अब लगभग मुझे 125 के आसपास एलिमेंट जो है वो डिस्कवर्ड हो चुके हैं स्टैंडर्ड बुक में। अगर हम देखें तो क्लास 10th के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो बुक्स वगैरह में लिखा होता है 118 एलिमेंट यानी 118 एलिमेंट के बारे में। तो उसमें कहा जाता है कि 94 एलिमेंट्स जो हैं वो हमको नेचुरली यानी नेचर से मिले हैं और बाकी एलिमेंट को तैयार किया गया, बनाया गया किसी न किसी चीज से। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग डोबिनियर ट्रेड की। 1817 में यानी 1817 में सबसे पहले क्या आया? डोबिनियर ट्रेड। तो ये जॉन वॉल्विंग जो थे, एक जर्मन केमिस्ट थे, इन्होंने 1817 में डोबिनियर ट्रेड बनाया। इन्होंने क्या किया कि तीन एलिमेंट लिए, मिलते जुलते तीन एलिमेंटों को लिया और उसका क्या किया, इन्होंने ग्रुप बना दिया। तो तीन एलिमेंट मिलते जुलते लिए और उनका जो ग्रुप बना दिया तो उसका क्या नाम दिया इन्होंने, उसको कहा इन्होंने ट्रेड। कैसे बताया इन्होंने? इन्होंने कहा कि अगर हम लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये तीन एलिमेंट हम इनको लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर हम लिथियम का क्या लेते हैं, मास नंबर 7 लेते हैं और पोटेशियम का मास नंबर 39 लेते हैं, दोनों के यानी लिथियम के और पोटेशियम के मास नंबर को क्या कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, तो 7 और 39 जोड़ के कितना हुआ, 46 आ जाता है। और फिर क्या किया उन्होंने, 2 से डिवाइड करने के लिए कहा। तो यहां पर हमने देखिए 46 डिवाइडेड बाय 2 किया तो कितना आ गया भाई, 23। तो इससे क्या हो गया, 23 आने से क्या हो गया, यानी मिडिल वाले एलिमेंट का क्या आ गया भाई, मास नंबर पता चल गया। ये बात जो किसने बताई, डोबिनियर ट्रेड ने बताई। तो इसमें डोबिनियर ने बताई, तो डोबिनियर ट्रेड में क्या कहा गया कि पहला एलिमेंट और तीसरा एलिमेंट इनके मास नंबर को ऐड किया जाएगा और उसको फिर 2 से डिवाइड किया जाएगा, जो वैल्यू आएगी वो मिडिल वाले एलिमेंट का क्या होगा, मास नंबर होगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव की। तो 1865 में J.A.R. न्यूलैंड जो थे ये केमिस्ट थे और इनको म्यूजिक का बड़ा शौक था। तो इन्होंने क्या किया, म्यूजिकल नोट के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया, एलिमेंटों को अरेंज किया और कहा कि जो एलिमेंट होते हैं उनकी प्रॉपर्टी यानी पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज जो होंगी 8वें एलिमेंट से क्या होंगी, सिमिलर होंगी। तो 8 एलिमेंट का जिक्र किया जा रहा था इसलिए यहां पर ऑक्टेव आ रहा था। ऑक्टेव का मतलब क्या था, 8 एलिमेंट। तो इन्होंने कहा कि पहला एलिमेंट और 8वां एलिमेंट जो भी होगा उसकी प्रॉपर्टी क्या होंगी, सिमिलर होंगी। तो इसी को इन्होंने अरेंज किया था, इसीलिए इसको न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के नाम से जाना जाता है। जैसे कि यहां पर देख रहे हैं सा रे ग म प ध नि सा, तो यहां पर आप देख रहे हैं सा और यहां पर देख रहे हैं आप सा, यानी इसमें जो फर्स्ट ग्रुप में जो एलिमेंट आ रहा है वो हाइड्रोजन है और दूसरा जो फ्लोरीन, तो इसकी इसकी प्रॉपर्टी क्या है भाई बेटा, सिमिलर है। तो ये सिमिलरिटी को शो कर रहा है, यानी पहला एलिमेंट और 8वां एलिमेंट क्या कर रहा है, सिमिलरिटी को अगर शो करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव कहा जाएगा। ठीक है, अब मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये दोनों, इनकी बात करते हैं। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, इसको किसने बताया, रशियन केमिस्ट जो थे
उन्होंने बताया 1869 में बताया, उनका नाम था डिमेट्री आयवानोविच मेंडेलीफ। तो 1869 में इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा कि जो भी एलिमेंट है, यानी उनके समय में मेंडेलीफ के पीरियोडिक टेबल यानी मेंडेलीफ के टाइम पर 65 एलिमेंट जो थे उस समय नेचर में थे, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जो भी ये एलिमेंट है इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को क्या कर लेना चाहिए, हमको अरेंज कर लेना चाहिए एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग। यानी एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग क्या किया, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को अरेंज कर लिया। तो ये बात इन्होंने किसने बताई, ये मेंडेलीफ ने बात बताई। मेंडेलीफ की पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप थे और 12 पीरियड थे। तो 8 ग्रुप थे और 12 पीरियड थे, ये हमेशा आप याद रखेंगे। इनकी लिमिटेशंस की हम लोग बात करें तो सबसे बड़ी कमी ये रही कि मेंडेलीफ जो थे वो पोजीशन जो थी हाइड्रोजन की वो डिसाइड नहीं कर पाए। कभी वो बोलते थे फर्स्ट ग्रुप में रखा जाएगा, कभी बोलते थे वो 18th ग्रुप में रखा जाएगा, तो ये कंफ्यूजन हमेशा बना रहा। तो ये डिसाइड नहीं कर पाए, बता नहीं पाए कि हाइड्रोजन की पोजीशन कहां पर होगी, कौन से ग्रुप में होगी। दूसरा है पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, आइसोटोप्स की पोजीशन भी ये नहीं बता पाए। आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर से मास नंबर डिफरेंट होता है, वो हमारे क्या होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं। तो ये क्या होते, इन्होंने आइसोटोप की पोजीशन को भी क्लियर नहीं किया इन्होंने। तीसरी चीज है सिमिलर एलिमेंट सेपरेटेड। तो मेंडेलीफ की पीरियोडिक टेबल में क्या किया गया, कुछ सिमिलर एलिमेंट जो थे उनको क्या किया गया, सेपरेट कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। जैसे कि बेरियम और लेड, सिल्वर और थैलियम, ये वो एलिमेंट थे जिनको क्या किया गया था, इनके अपने ग्रुप से सेपरेट कर दिया गया था, यानी अलग अलग कर दिया गया था। तीसरा है डिसिमिलर एलिमेंट प्लेस टूगेदर इन द सेम ग्रुप, और इन्होंने क्या किया, जो डिसिमिलर एलिमेंट थे उनको क्या कर दिया, एक ही ग्रुप में रख दिया। तो ये सबसे बड़ी गलती उन्होंने करी, जैसे कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, इन एलिमेंटों को उन्होंने क्या कर दिया, एक ही ग्रुप में रख दिया। तो ये उनकी क्या थी, कमियां थी जिसकी वजह से मेंडेलीफ की पीरियोडिक टेबल जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई, रन कर पाई। अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो प्रेजेंट टाइम पे कौन सी टेबल चली है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल चली, इसको किसने बताया भाई, मोजले ने बताया। किस ईयर में बताया, 1913 में बताया। और इन्होंने क्या बताया, कहा कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं एलिमेंट की, अगर उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया जाए एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, याद रखिए इन्होंने एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग बताया, इन्होंने किसके अकॉर्डिंग बताया, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग बताया, ठीक है। और इन्होंने कहा कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसमें पीरियड भी थे और ग्रुप पे, तो उसमें वर्टिकल लाइन जो बनी हुई थी इस तरह सीधी सीधी जो लाइन होती है वो क्या कहलाती है, हमारी वर्टिकल लाइन कहलाती है, और ऐसे जो लाइनें होती हैं इस तरह वो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है। तो वर्टिकल लाइन के अकॉर्डिंग क्या था, 18 ग्रुप है और 7 पीरियड है, किसमें है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। अब आगे बात करते हैं, तो जो ग्रुप है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 1 से लेकर 2 ग्रुप जो है, और 13 से लेकर 17 तक के जो ग्रुप है वो हमारे क्या है, टाइपिकल एलिमेंट कहलाते हैं, और 18 ग्रुप को हम लोग इनर्ट एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं। आगे दे रखा है जो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 57 से 71 तक होता है वो हमारे एलिमेंट क्या होते हैं, लेंथनाइट सीरीज कहलाते हैं। यानी पीरियोडिक टेबल में नीचे की ओर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे 89 से लेकर 103 तक के जो एलिमेंट है इनको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिनाइट सीरीज बोलते हैं। अब हम बात करते हैं पीरियड, यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड है भाई, 7 पीरियड है। तो पहला पीरियड जो होता है उसमें कितने एलिमेंट है, सिर्फ 2 एलिमेंट है। सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट है, थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट है, फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट है, फिफ्थ पीरियड में 18 एलिमेंट है, सिक्स पीरियड में 32 एलिमेंट है, और सेवेंथ पीरियड में कितने है, 26 एलिमेंट है जो कि इनकम्प्लीट है। तो सीबीएसई आईसीएसई यानी एनसीईआरटी की बुक्स में ये बताया गया है कि ये जो सेवेंथ पीरियड जो है वो कि इनकम्प्लीट है। लेकिन अगर हम आईसीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग चले, उनकी बुक्स के अकॉर्डिंग, तो क्या होता है उसमें इस पीरियड को भी कंप्लीट बताया गया है, यानी अब डिस्कवरी हो चुकी है इन एलिमेंट्स की। लिमिटेशंस की बात करें तो जो हाइड्रोजन की जो पोजीशन थी मोजले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बता दी कि जो हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर जो है, मास जो है, वो एटॉमिक वेट जो है
एटॉमिक नंबर जो है वो बहुत ही कम है, इसलिए उसकी पोजीशन क्या रखी गई, ग्रुप फर्स्ट यानी एल्कली मेटल्स में रख दिया गया। दूसरा पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, इसमें क्या हुआ कि मोदले ने बताया कि जो भी एलिमेंट हैं जिनके आइसोटोप्स होते हैं तो वो किसी एक एलिमेंट के ही तो आइसोटोप है, तो उनको क्या कर दिया गया, सेम ग्रुप में ही रखा जाना चाहिए, ये बात जो है मोदले ने बताई। तो स्टूडेंट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, 5 मार्क्स आपके इस चैप्टर से आ सकते हैं, तो इसको आप बहुत अच्छी तरह से रिवाइज करिएगा और इस वीडियो को बहुत गौर से देखिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा नेक्स्ट टॉपिक पर आपको किस टॉपिक की वीडियो चाहिए। ओके, थैंक यू।